परंतु आपको याद हो 80 के दशक की एक फिल्म थी विधाता, जिसमें एक लाइन थी कि हाथों की चंद लकीरों का ये खेल है सब तकदीरों का, और उसके साथ ये भी था कि तकदीर है क्या मैं क्या जानू, मैं आशिक हूं तदबीरों का। तो साहब अगर जमीन पे आप काम करें तो निश्चित रूप से प्रारब्ध भी आपका साथ देता है और भगवान भी आपका साथ देते हैं। मैं बताना चाहता हूं उदाहरण के लिए, पिछले चुनावों में अभी जो 3 चुनाव हुए हैं, ओपिनियन पोल्स क्या बता रहे थे कि राजस्थान में कांटे की टक्कर है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस हमसे आगे है और छत्तीसगढ़ भाजपा हारी हुई है। लगभग लबोलुआब यही था ओपिनियन पोल्स का। मगर क्यों हम बदलने में सफल हुए, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में हमने सीट वाइज नहीं बूथ वाइज स्टडी किया और 18,000 ऐसे बूथ आइडेंटिफाई किए जो पिछले 4 लोकसभा और 4 विधानसभा चुनाव से हम लगातार हारे थे। फिर उसमें सोचा गया कि इनमें से कितने ऐसे जितने हम जीत सकते हैं, तो 10-12 हजार बूथ आइडेंटिफाई हुए जो मेहनत करके जीते जा सकते हैं और शेष ऐसे थे जो बहुत कठिन थे। और आप कल्पना करिए उस 18,000 में 6,000 बूथ हमने जीत लिए, इसलिए दिखा इतना बड़ा परिवर्तन। मगर मैं पुनः कहना चाहता हूं संक्षेप में, राजस्थान का चुनाव था, प्रताप सिंह खाचरियावास, बस एक लाइन में, प्रताप सिंह खाचरियावास जी हम लोगों के साथ थे, ये खुलकर ये कह रहे थे कि भाई राम सिर्फ किसी एक के नहीं है, पूरे भारत के हैं। मगर अफसोस इनकी पार्टी ने इनकी बात नहीं मानी। अगर राम मंदिर के उद्घाटन में चले गए होते, इन्हीं को भेज दिया होता, तो शायद आज ये स्थिति नहीं होती। मगर अफसोस की बात यह है कि जो समझदार नेता हैं उनकी बात सुनी नहीं जाती है, और जो लोग हवा में गुबार उबाते हुए चल रहे हैं वो अपने जो उनका काफिला चल रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस गुबार में इसको 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 विस्तार से चर्चा करनी जरूरी है। प्रताप सिंह खाचरियावास, इसका जवाब देखिए, सिर्फ राजस्थान में नहीं, अभी हम ओडिशा का नंबर डिस्कस कर रहे थे, ओडिशा के अंदर बीजेपी 13 सीटों पर आ रही है और बीजेटी को 8 सीटों पर समेट रही है, यानी बीजू जनता दल को, यानी आप मानेंगे कि ये राम लहर का इंपैक्ट है। और जहां तक कांग्रेस के नेताओं की बात करी, अब आपके नेता तो खुलकर कहते हैं कि कन्हैया कुमार हमारे सेकंड पॉपुलर नेता हैं, तो क्या करिएगा जब पार्टी अर्दली और पीए चलाएंगे और कन्हैया कुमार को आपके आप ही के लोग दूसरे नंबर का नेता बनाएंगे, तो व्हाट विल हैपन प्रताप सिंह खाचरियावास? देखिए, एक बात आप मानकर चलना कि जहां राम राज्य की बात होती है तो पूरी दुनिया राम राज्य की कल्पना करती है। दुनिया का ऐसा कोई आदमी नहीं जो राम को नहीं मानता, वो ही हुई जो राम रची राखा, और जो रिजल्ट आता है उसको हम भी स्वीकार करते हैं। जहां तक भगवान राम का सवाल है, हम सब राम को मानते हैं, सब राम के भक्त हैं, और राम इस देश के आदर्श हैं, सुपरस्टार हैं, सुपर हीरो, यहाँ ही के नहीं पूरे ब्रह्मांड के हैं। तो भगवान को तो कोई चैलेंज कर ही नहीं सकता। जिस राम के नाम से पत्थर तैर गए थे और जिस राम के नाम से आज भी पूरी दुनिया राम राज्य की बात करती है, तो वो अंग्रेज भी जब हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे का नारा पूरी दुनिया में गूंज रहा हो, तो ये बात कहना ये पॉलिटिकली ठीक नहीं लगता। कई बार हम ये कहते हैं ना कि हिंदू मुसलमान पे जहां हम ले जाने की कोशिश करते हैं, 22 तारीख की जो बात आप कह रहे हैं, 22 तारीख तक पूरी अयोध्या पे केंद्र की बीजेपी की सरकार और राज्य की बीजेपी की सरकार ने कह दिया वो ही आएंगे जिसको हम बुलाएंगे, तो आप वहां आए नहीं। अब आप जिस कांग्रेस के एक लेटर की बात करें, तो क्या कांग्रेस में राम के बच्चे नहीं है क्या? राम के बच्चे तो हर पार्टी में है, पूरे देश में है, पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में है। तो राम का बच्चा तो तोता भी है, मैना भी है, मछली भी है। इसलिए बार बार राम का नाम आप ले रहे हो, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि राम आपसे नाराज हो जाए। प्रताप जी, आपको वोट मिल रहा है, आप जीत रहे, लेकिन इतना घमंड मत कीजिए। इसका जवाब लेना जरूरी है बीजेपी के लोगों को, इसका जवाब लेना जरूरी है। सुधांशु जी, ऐसा क्या है कि आप जब जय श्री राम बोलते हैं तो आपकी झोली में वोट गिर जाते हैं, और ये जब जय श्री राम बोलते हैं तो इनके झोली में सवाल ही सवाल आ जाते हैं, शक ही शक खड़ा हो जाता है। देखिए, जो प्रताप सिंह जी ने कहा बिल्कुल सही बात कही, भगवान तो सब जगह व्याप्त है, मगर वो कैसे, आप उनको किस रूप में देखते हैं, उस आधार पे उनको आपकी आपको उनकी कृपा मिलती है। हमारे यहां कहा गया हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। जैसे आप प्रेम करेंगे तो वो प्रकट होकर आपके ऊपर पूरा अपना स्नेह उड़ेल देंगे। तो इस कारण से हमें क्यों मिलती है, एक पंक्ति में रामचरितमानस की कह देना चाहता हूं, अजहु तात भज तज कुटिलाई, यानी आज भी हृदय में कुटिलता राजनीतिक बात छोड़कर उनका ईमानदारी से सीधे हृदय से भजन करिए। अजय अजहु तात भज तज कुटिलाई, राम गते राम भजे गति कह नहीं पाई, किसको नहीं मिलने वाला है। मगर देखिए, हम क्यों कह रहे हैं, हमने हमारे अंदर कोई कुटिलता नहीं थी, हम 2 सीटों वाली पार्टी थे, हमें सपने में गुमान नहीं था हमारी सरकार आएगी, तब भी वैसे ही राम के साथ खड़े थे। आज 303 वाली है, 400 पार की सोच रहे, तब भी वैसे ही खड़े थे, बस इतना अंतर है। आप 414 वाली इसमें कोई दो राय नहीं है, बीजेपी 2 रही, 160 आई,
सरकारें गवा दी, अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन के प्रधानमंत्री नहीं रहे और उसके बाद 13 महीने में बीजेपी की जयललिता ने सरकार गिरा दी, लेकिन बीजेपी ने राम का साथ नहीं छोड़ा। लेकिन कुटिलता और जटिलता की बात हुई यहां पर, रामचरितमानस की, श्री रामचरितमानस की चौपाई की बात हुई, तो एक चीज प्रताप सिंह खाचरियावास, कुटिलता और जटिलता इसमें क्यों है जब राहुल गांधी कह देते हैं कि जय श्री राम बोलने वाले भूखे जय श्री राम बोलो और भूखे मरो, ये पॉलिटिकली उनका मैसेज अच्छा होगा लेकिन पॉलिटिकली गलत चला जाता है ये सब कुछ, और बीजेपी इसको कैश कर लेती है। स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी बयान दे देते हैं, क्या करेंगे ऐसे? आप एक बात बताइए मुझे अमीश जी, आप इतने उम्र कम है लेकिन इस देश के इतने माने हुए पत्रकार हैं, आपको एक बात माननी पड़ेगी कि राहुल गांधी ये तोड़ना कह रहे हैं कि राहुल गांधी जय श्री राम बोलो और भूखे मरो, ऐसा नहीं कह रहे हैं। राहुल गांधी बोल रहे हैं जय श्री राम बोलिए, लेकिन जय श्री राम के नारे के साथ रोटी की बात करती नहीं बीजेपी, रोजगार की बात नहीं करती नहीं, मुद्दों की बात करती नहीं, 15 लाख और अच्छे दिन का वादा करती है निभाती नहीं, और नोटबंदी के बाद 50 दिन में देश के हालात सुधारने की बात करती है, आज भी हर एक घंटे में 4 से 5 नौजवान आत्महत्या कर रहा है, भूख से, गरीबी से, महंगाई से पूरे देश की हालत खराब है, और जब आप जानते हैं क्रूड ऑयल के दाम इस वक्त दुनिया में सबसे कम $61 प्रति बैरल पर है, तब 100 के पार पेट्रोल है, और जब क्रूड ऑयल के दाम $130 प्रति बैरल थे मनमोहन सिंह जी के टाइम पर, तब ₹70 लीटर के नीचे पेट्रोल बेच रहे थे मनमोहन सिंह जी। मैं तो कह रहा हूं आपकी बात लाजमी है, कम कर रहे हो गैस सिलेंडर पे। राहुल गांधी एक ठीक बात करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन पॉलिटिकली वो बात सूट नहीं करी, दैट्स माय स्ट्रेट पॉइंट। मैं सुधांशु जी से जवाब ले लेता हूं इस बात का, सुधांशु त्रिवेदी रिप्लाई टू दिस। देखिए मैं कहना चाहता हूं जैसे प्रताप सिंह जी ने कहा, हमसे तो वरिष्ठ है उन्हें याद होगा, हमने जब राम मंदिर का मुद्दा उठाया था और हमारी सरकारें बर्खास्त कर दी गई थी, यूपी की चलिए लॉजिक समझ में आता था, हिमाचल राजस्थान मध्य प्रदेश क्यों बर्खास्त की गई थी, हमारा नारा क्या था? केवल राम मंदिर की बात हमने नहीं की थी, मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, 91, 92, 93 का दौर याद करिए, भाजपा का नारा था राम रोटी और इंसाफ, राम रोटी और इंसाफ, और हमने जब हमारे स्पष्ट बहुमत की सरकार है हमने तीनों सुनिश्चित किए, हमने राम की प्रतिष्ठा और भगवान राम के भव्य मंदिर का मार्ग भी प्रशस्त किया, सबको रोटी भी सुनिश्चित कराने का भरसक प्रयत्न किया। इस समय भारत में महंगाई की दर 5.09% है जो दुनिया के किसी भी देश में सबसे कम है, यूपीए सरकार के 90% या 99% कार्यकाल से कम है। आज बेरोजगारी की दर 3.1% है जो पिछले 5 साल में सबसे कम है, विकास की दर में हम G7 G20 कंट्रीज में सबसे आगे हैं, 7.2%। जी जी जी। और इसलिए अब पूरे डाटा में नहीं जाना चाहता, और इंसाफ की जहां तक बात है साहब, अंग्रेजों का जमाने का इंडियन पैनल कोड खत्म कर दिया, भारतीय दंड संहिता समाप्त और अब भारतीय न्याय संहिता आ गई, सुधांशु जी, यानी जिसमें कम से कम 49-50 बार योर एक्सीलेंस, उसे पूरा करने का जो दावा आप कर रहे हैं वो आंकड़ों में दिख रहा है। मैं फिर कह रही हूँ ना कि 272 आप लोग मैजिकल फिगर को क्रॉस कर गए, अभी बहुत राज्य आए भी नहीं है। सतीश जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, प्रताप जी बस मैं आपका रुख करूंगी लेकिन उससे पहले सतीश जी, आपने सुना राम को लेकर, रोटी को लेकर, घर को लेकर, नौकरी को लेकर मुद्दे भले ही हो लेकिन किसकी बात पर जनता यकीन कर रही है? चार बातें देखिए, अभी कहा जा रहा था कि भगवान कांग्रेस का साथ नहीं देते, सबसे हालत तो खराब मुझे लगता है कांग्रेस की ही देश में, गरीबों से भी ज्यादा खराब है, पहली बात। दूसरी बात, ये गलत बयानी है कि भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर के मुद्दे को किनारा नहीं किया, जब सत्ता की, कर लिया एक मिनट नहीं, सत्ता की जब बात आई तो ठंडे बस्ते में रखा गया था, जब उस समय वाजपेयी जी की सरकार बनी थी तो उन्होंने बोला था हमारे अटल बिहारी वाजपेयी क्या बोला था सतीश, अरे किनारे लगाने की बात, उन्होंने बोला था कि आज हमारे पास नंबर नहीं है इसीलिए वो आज हमारा मुद्दा नहीं है, नहीं नहीं लेकिन मुद्दा छोड़ा नहीं था। अरे भाई जब हम पुजारी हैं तो फिर जाए तो जाए, उन्होंने कहा ना कि हमने सरकारें चावर कर दी, सरकारें सत्ता के लिए उस समय ठंडे बस्ते में डाला गया, और ये सुनिए उस समय गठबंधन धर्म बताया गया। देखिए जो सच्चाई है उसको बोलिए, दरअसल मैं तो व्यक्तिगत रूप से ये समझता हूँ ये पहले ही हो जाना चाहिए था, राम मंदिर बन जाना चाहिए था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बना नहीं ना सतीश जी, सुनिए ना बात को, बात सुनिएगा तब ना, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये धार्मिक से ज्यादा चुनावी मुद्दा राजनैतिक मुद्दा है, ये धर्म नहीं है, बिल्कुल ठीक।
ये राजनीतिक है। मैं जरा उस ठंडे बस्ते के अंदर मुद्दा कितना गर्म था ये बता देना चाहता हूँ। मैं सारे करोड़ों दर्शकों से कहता हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी गठबंधन की सरकार बनी नहीं, और मैं उसका उत्तर दे रहा हूं कैसे। हमारे घोषणा पत्र में राम मंदिर कभी नहीं गायब हुआ, जाके देख लीजिए 1998 का घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी का, 2004-09 सबका हमेशा था। दूसरा, अटल जी के सरकार में प्रधानमंत्री कार्यालय में अयोध्या सेल का गठन हुआ, हमने लगातार 3-4 साल प्रयास किया, और उसके बाद हमने क्या किया, इन लोगों ने जाकर, यह अटल जी की सरकार के समय का बता रहा हूं, इन लोगों ने जाकर कोर्ट से स्टे लगा रखा था कि खुदाई नहीं हो सकती ताकि सबूत ना मिले, पर हमने नई टेक्नोलॉजी आई ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार, रडार मैपिंग करवा दी, क्योंकि खुदाई पे रोक थी, रडार मैपिंग पे नहीं थी। जैसे ऑपरेशन पे रोक हो, अल्ट्रासाउंड पे रोक ना हो, रडार मैपिंग से जो पिक्चर आई ये 2001 और 2002 में, वो हमने लखनऊ बेंच ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रस्तुत की, जिसके आधार पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2002 में परमिशन दी और मार्च और अप्रैल 2003 में खुदाई हुई कोर्ट के निर्देश में। लेकिन 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 सुधांशु जो सतीश जी का तात्पर्य था कहना, वो अटल जी के भाषण को कोट करने का प्रयास कर रहे थे, जो अटल जी ने सदन में भाषण दिया था। जॉर्ज फर्नांडिस, बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन मैं कहता हूँ मंदिर नहीं बन सकता था उस दौर के अंदर, रेलवे स्टेशन का भी अयोध्या के सरकार जो कहना चाह रहा हूँ, एक लाइन में कहना चाह रहा हूं, एक लाइन बोल दीजिए, एक लाइन में, परिस्थितियों की बाध्यता में भी हमारी प्रतिबद्धता पर कोई प्रश्न नहीं उठा सकता, अटल जी के सरकार के समय का भी मैंने उदाहरण दे दिया, परिस्थितियों की बाध्यता में भी हम अपनी प्रतिबद्धता पर कायम।